बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने लास्ट क्लास में कोरिलेशन के बारे में पढ़ा था, कोरिलेशन कोएफिशिएंट। कोरिलेशन को हमने फाइंड करने के दो तरीके पढ़े थे, एक स्कैटर डायग्राम और दूसरा कोरिलेशन कोएफिशिएंट। उसका फार्मूला हमने डिस्कस किया था, ये फार्मूला आपके सामने दिया हुआ है, आर इज इक्वल टू सम एक्स माइनस एक्स बार, एक्स माइनस वाई माइनस वाई बार divided by n minus 1 sx sy sx sy। और sx के बारे में बताता है कि ये होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x वेरिएबल sy, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y वेरिएबल। तो ये आपके सामने एक न्यूमेरिकल एग्जांपल दी हुई है, ये बुक से मैंने उठाई है, जिसमें x वेरिएबल सेल्स कॉल्स है। जी अनस। जी सर। जी, जो सेल्स कॉल्स हैं वो एक्स वेरिएबल हैं, यानी सेल्स कॉल्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, और कॉपीज सोल्ड ये वाई वेरिएबल है, और ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये आपको सारी की सारी कैलकुलेशन करके दी हुई है उसने, एक्स माइनस एक्स बार। अनस, एक्स बार का फार्मूला क्या होता है? सर, सम ऑफ एक्स ओवर एन। एक्स बार इज इक्वल टू सम एक्स ओवर एन। और वाई बार का फॉर्मूला क्या होगा? सम ऑफ वाई ओवर एन। सम ऑफ वाई ओवर एन। तो इस तरह आप x बार मालूम कर लेंगे और y बार मालूम कर लेंगे। x माइनस x बार, y माइनस y बार, और फिर आपने एक और कॉलम मालूम करना है, x माइनस x बार इंटू y माइनस y बार। ये कॉलम कैसे मालूम होगा? आपने इन दो कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कॉलम आप मालूम कर लेंगे। ये भी इसने आपको मल्टीप्लाई करके दिया हुआ है। अब एस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? सम एक्स माइनस एक्स बार होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस वन। गुड। स्क्वायर रूट सम एक्स माइनस x बार होल का स्क्वायर, x बार होल स्क्वायर n माइनस वन ओवर n माइनस वन। और s y का फॉर्मूला क्या होगा? सम y माइनस y बार होल का स्क्वायर। सम y माइनस y बार होल स्क्वायर माइनस वन। यानी हमें एक कॉलम बनाना है एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर का और वाई माइनस वाई बार स्क्वायर का। तो एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर का कॉलम कैसे बनेगा? एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर का कॉलम कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? x माइनस एक्स बार का स्केल ले लेंगे। जी बिल्कुल, ये जो आपको एक कॉलम नजर आ रहा है x माइनस एक्स बार, आप इसका स्केल लेंगे। तो फिर आप मुझे बताएं जी, वैसे उसने बुक में इनकी वैल्यूज दे दी है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एस एक्स और एस वाई की वैल्यू भी कैलकुलेट करके दे दी है। अगर आप कहते हैं तो हम इन्हें कैलकुलेट कर लेते हैं, वरना हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, हम इनको डायरेक्ट फार्मूले में पुट कर देते हैं, क्योंकि ये आपने प्रीवियस लेक्चर्स में ये वैल्यूज कैलकुलेट की हुई हैं। तो यानी कॉलम आपको ये बनाना पड़ेगा, एक्स माइनस एक्स बार स्केयर, वाई माइनस वाई बार स्केयर,
इनका जो भी आंसर आएगा उसको आपने सम करना है और इन दोनों को इसको भी सम करना आपने। इसका आंसर इस फार्मूले में चला जाएगा और इसका जो सम है वो यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा। अब हम फार्मूले की तरफ आते हैं। R is equal to सम x माइनस x बार y माइनस y बार की वैल्यू क्या है? सम x माइनस x बार y माइनस y बार की वैल्यू क्या है? सर जीरो। जीरो तो नहीं हो सकती। सर आपने इस पूरे कॉलम को सम किया है तो ये वैल्यू यहाँ पे आ गई है। एन की वैल्यू क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 minus 1. SX की वैल्यू क्या है? 42.76. SY की वैल्यू क्या है? 12.89. आप इसका आंसर बताएं क्या आ रहा है? अब यहां तक जो है वो आपने पहले भी ये चीजें जो है वो कैलकुलेट की थी तो इसका मतलब क्या है? अगर 0.86 आ गया है उसकी इंटरप्रिटेशन क्या होगी? सर 3.026 है। क्या आंसर आया? 3.026। हमने लास्ट लेक्चर में एक चीज पढ़ी थी कि कोरिलेशन की जो रेंज है वो -1 और +1 के बीच में होती है। मगर सर जब इस सारे को कैलकुलेट करो आर की वैल्यू को तो वो फिर 3.026 ही निकल रहा है यहाँ पे। जी आप दोबारा चेक करें, आप गलती आपकी तरफ से गलती है। नहीं सर आंसर ठीक है, 0.86 आता है। इस बच्चों के न्यूमेरिकल इसी तरह गलत होते हैं कि वो जो है वो वैल्यू सही पुट करते हैं लेकिन वो प्लस माइनस में प्रॉब्लम कर जाते हैं। आपने शायद ब्रैकेट नहीं लगाई होगी, दोबारा चेक करें इसको। ओके, ये प्लस वन और माइनस वन ये इसकी रेंज है, इससे ना प्लस वन से ऊपर जा सकता है ना माइनस वन से नीचे हो सकता है। ठीक है, तो हम इसकी इंटरप्रिटेशन ये क्या होगी कि इन दो वेरिएबल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव हो रही है, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन। अब यहां पे जो एक चीज समझने वाली है वो ये है कि
आप लोगों ने इससे पहले हाइपोथेसिस टेस्टिंग पढ़ी थी, जिसमें आप ये चेक करते हैं कि जो आप हाइपोथेसिस जनरेट करते हैं क्या वो आप उसको एक्सेप्ट करेंगे या आप उसको एक्सेप्ट करने में फेल हो जाते हैं। ठीक है, इसी तरह जब आप आर की वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है, आप इसको भी टेस्ट कर सकते हैं। आप आर की वैल्यू जो आपने निकाली है, क्योंकि जो आपने ये वैल्यू निकाली है ये सैंपल की बेस के ऊपर निकाली है आपने, तो हम इसको टेस्ट कर सकते हैं कि क्या जो आर की वैल्यू ये निकली है इसमें कोई एरर तो नहीं है। उसके लिए जो आपने टेस्ट स्टैटिस्टिक्स चूज करनी है वो ये आपके सामने दी हुई है। जी पढ़े जी, ये टेस्ट स्टैटिस्टिक्स क्या है? मैं बड़ा करके लिखता हूँ, टी इज इक्वल टू आर एन माइनस टू इनटू वन माइनस आर स्क्वायर, आर का स्क्वायर विद, क्योंकि दो पॉपुलेशन है आपके पास, दो सैंपल है, तो हम यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम चूज करेंगे एन माइनस टू। ठीक है, और यहाँ पे जो बुक में सिग्निफिकेंस लेवल दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है 0.05। बेसिकली जो हमारा टॉपिक है दैट इज टेस्टिंग ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट। इसमें बेसिकली जो आपका हाइपोथेसिस उसने इस स्टेटमेंट में दिया है वो ये है। अब आपको ये एक सिंबल दिया हुआ है, अगर आपने कोरिलेशन कोएफिशिएंट की हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करनी है तो ये आपको ये एक सिंबल दिया होगा, इसे कहते हैं रो। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? रो। ये रो किसको डिनोट कर रही है? बेसिकली ये आर, आर को डिनोट कर रही है। इसमें हम आपका नल हाइपोथेसिस क्या कह रहा है कि जो रो है वो जीरो है, मतलब दोनों वेरिएबल्स के बीच में जो कोरिलेशन है वो जीरो है। दोनों वेरिएबल्स के बीच में जो कोरिलेशन है वो जीरो है। और इसका फिर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होगा कि दोनों वेरिएबल्स के बीच में जो कोरिलेशन है वो जीरो नहीं है। तो आपने क्या करना है, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने की कोशिश करनी है कि दोनों वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन जीरो है। यानी आर अगर जीरो के बराबर हो तो इससे मुराद क्या होता है अनस? अगर आर जीरो हो तो इससे मुराद क्या है? जी फिजान आप बताएं। सर वीक कोरिलेशन बताएंगे, इंडिकेट करेगा वीक कोरिलेशन है, जीरो के करीब है। जी कोई और? अगर r जीरो हो तो इससे मुराद है देर इज नो कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। तो जो हमारा नल हाइपोथेसिस है वो यही कह रहा है कि इन दोनों के बीच में कोई कोरिलेशन नहीं है, r जो है वो जीरो है। तो इसका उल्ट क्या होगा कि वो जीरो नहीं है, यानी जो
यानी इन दोनों के बीच में कोरिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, बेसिकली आपने वही स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, लेकिन वहाँ पे हम सारे स्टेप्स को इग्नोर कर देंगे, सिर्फ हम ये चेक करेंगे कि क्या हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होता है कि नहीं होता। तो इसमें जरा वैल्यू पुट करें, ये स्टेप नंबर वन है आपका, ये स्टेप नंबर टू है, ये स्टेप नंबर थ्री है जी। और डिसीजन रूल क्या होगा आपका स्टेप नंबर फोर पे? फिजान, ये वन टेल टेस्ट है या टू टेल टेस्ट है? ये टू टेल टेस्ट, टू टेल टेस्ट, यानी जो रिजेक्शन रीजन है ये दोनों साइड्स के ऊपर है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम n माइनस टू है, यस। तो n की वैल्यू क्या है? n 15 थी जी, n की वैल्यू 15 है। फिफ्टीन माइनस टू इज इक्वल टू 13। अभी आपने 13 के ऊपर टू टेल एट सिग्निफिकेंस लेवल 0.05 पे चेक करना है। जी चेक करें जी, आप में से कोई बच्चा जिसके पास बुक है टी के टेबल में जाए, सिग्निफिकेंस डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 13 है, सिग्निफिकेंस लेवल 0.05 है, और ये टू टेल टेस्ट है, वहां पे क्रिटिकल वैल्यू कितनी आ रही है? बताएं जी कोई आप में से। जी अनस, अनस अजहर, अनस 2.160। अब क्योंकि ये टू टेल टेस्ट है तो हम दोनों साइडों पे लिखेंगे 2.16। अब हम स्टेप फाइव पे ये वैल्यूज पुट कर लेते हैं। आर की वैल्यू क्या आई है? 0.86 जी सर। एन माइनस टू की वैल्यू 13 आई थी, फोर डिवाइड बाय वन माइनस 0.86 उसके जितना क्या आंसर आ रहा है?
टी की वैल्यू क्या आ रही है? 11.9 मेरी थी। हम कंफर्म कर लेते हैं। यूजर शाह सर मेरा 6.07 आ रहा है। लेट मी चेक, दोबारा देख, दोबारा देख ले सर। फार्मूला में जो है ना आर, वो आर मिड में है, फिर अंडर रूट एन माइनस टू ओवर वन माइनस आर स्क्वायर है। आपने जो वैल्यूज पुट किए तो आपने अंडर रूट 13 के साथ 0.86 को किया है और फिर दोबारा नीचे अंडर रूट। मैंने क्या किया है? एक सेकंड में दोबारा चेक करती हूँ। अगर आप, मैं अगर बुक से इसको कंसोल कर लेता हूँ, 6.216 0.07 तो ये 6.07 कहाँ पे लाई कर रहे हैं? ये यहाँ पे आ रहा है। तो क्या मतलब है इसका? एच नॉट रिजेक्ट होगा। एच नॉट क्या कह रहा था कि कोरिलेशन जीरो है, मतलब इन दोनों के बीच में कोई कोरिलेशन नहीं है। जबकि जो आपके टी स्टैट की वैल्यू आई है वो 6.07 आई है, तो जो कि बता रही है कि हम एच नॉट को रिजेक्ट करेंगे, तो इसका मतलब है कि इन दोनों के बीच में कोरिलेशन है। और वो कोरिलेशन क्या है? वो पॉजिटिव कोरिलेशन। तो इसी तरह आप इसकी जो पी वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। एग्जैक्टली, पी वैल्यू सिर्फ आपको सपोर्ट करेगी, उसका भी मतलब यही होगा कि आप एच नॉट को रिजेक्ट करेंगे। तो ये हमने कोरिलेशन फाइंड किया और फिर कोरिलेशन कोएफिशिएंट को हमने टेस्ट किया। कोरिलेशन पहले आपने फाइंड किया हुआ है, इसको जो टेस्ट करना है वो डिपेंड करता है कि आपका हाइपोथेसिस क्या है। यहाँ पे हम जो हाइपोथेसिस यूज कर रहे हैं वो ये है कि जो इन दोनों के बीच में कोरिलेशन नहीं है, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है कि इन दोनों के बीच में कोरिलेशन है। उसके मुताबिक हमने, और आपको सिग्निफिकेंस लेवल भी दिया हुआ है 0.05, और इसकी, इसके लिए जो आपने टेस्ट स्टैटिस्टिक्स चूज करनी है वो है आर होल अंडर रूट एन माइनस टू वन माइनस आर स्क्वायर। इसके बाद जो है वो आपने स्टेप नंबर फोर पे जो आपने करना है, आपने जो डिसीजन रूल बनाना है यानी क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करनी है। उसके लिए आपने क्या करना होता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम मालूम करनी है, दैट इज 13। अनस आपको कोई क्वेश्चन है? नो सर। ये आपका मुझे मैसेज आया हैंड रेज का। नहीं सर, लोअर रही है। अच्छा, लोअर की है। सो बेसिकली हमने जो क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करनी है वो कैसे फाइंड करनी है, क्योंकि यहाँ पे दो पॉपुलेशन है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका एन माइनस टू होगा। n माइनस टू इज इक्वल टू 15 माइनस टू। सो आपने 13 के ऊपर 0.05 सिग्निफिकेंस लेवल, और क्योंकि ये
टू टेल टेस्ट है, तो आपने चेक करना है टू टेल के कॉलम में, तो वहां पे आंसर हमारा आता है 2.16। और स्टेप नंबर 5 में हमने क्या किया, हमने टेस्ट स्टैटिस्टिक्स का आंसर मालूम किया, वो आ गया 6.07, और जो कि हमारे रिजेक्शन रीजन में लाई कर रहा है, तो हम ये कहेंगे कि एच नॉट हमारा रिजेक्ट हो जाएगा। यानी जो हमने पहले सैंपल लिया था उसमें जो हमारा कोरिलेशन आया है R इज इक्वल टू 0.86, इसमें जब वो एरर नहीं है, ये बाय चांस नहीं है, ये जो R है ये वाकई ही 0.86 है। अगर ये नल हाइपोथेसिस जो है वो आप रिजेक्ट करने में जो है वो नाकाम हो जाए, तो जो आप कोरिलेशन फाइंड करेंगे इसकी सिग्निफिकेंस खत्म हो जाएगी। तो ये हमारा आज का टॉपिक है, इसके रिलेटेड नारिकल दिए हुए हैं। चैप्टर 13 में आई थिंक ये 15th एडिशन है, इसमें आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये प्रैक्टिस न्यूमेरिकल है फॉर कोरिलेशन। और 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन है कि आपने कोरिलेशन की टेस्टिंग करनी है कि क्या वो सिग्निफिकेंट है कि नहीं है। तो ये भी तरीका आप लोगों ने पढ़ लिया, किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है।